अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्राइम पोस्ट। मैं हूं आपका होस्ट उमर अल्ताफानी, एज यूजुअल जैसा कि मेरा नाम आप जानते ही हैं। एंड हम बात करेंगे आज रिलेटेड टू अ लेजेंडरी क्रिकेटर हु बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर। आपके दिमाग में सबसे पहले नाम आया होगा मिस्टर परवेज रसूल का, लेकिन सॉरी टू से उनसे भी पहले एक प्लेयर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर से, जिनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी, ना तो उस टाइम पे ना आज होती है। एंड इसका एक रीज़न है जो उन्होंने खुद भी एक इंटरव्यू में बताया था कि एट माई टाइम इंटरनेट वॉज नॉट ऑन द पीक, ना तो जर्नलिस्ट लोग इतना हाइप देते थे किसी प्लेयर को, एंड ना ही इंटरनेट इतने ज़ोर पे था कि किसी प्लेयर को इतना अटेंशन मिल पाता। बट आज फॉर्चुनेटली मौका मिला है, करेंगे उनकी करियर के बारे में बात, वी विल डिस्कस सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हिज करियर, एंड देखेंगे आखिर ये प्लेयर है कौन। एंड उससे भी पहले कल मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़ा था, एंड उस सवाल का जवाब मैं आप तक पहुंचा दूं। सवाल ये था कि अगर कश्मीर ने 301 मैचेस खेले हैं जम्मू एंड कश्मीर में डोमेस्टिक सीजन में, तो हाउ मेनी ऑफ उनको आपको क्या लगता है उसमें से कितने जीते होंगे जम्मू एंड कश्मीर में? तो उसका आंसर है 32। एवरेज अब आप खुद ही निकाल लीजिएगा, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच ऑफ अ टाइम। 301 मैच में से जम्मू कश्मीर ने टोटल 32 मैच जीते थे। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। जिस क्रिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ, फास्ट बॉलर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, नेमली अब्दुल कयूम बागाव, ये एक ऐसे प्लेयर थे जम्मू कश्मीर के जिन्होंने अपने करियर की हाइट्स बहुत आगे तक लेके गए थे। एंड इनफैक्ट अगर कहा जाए तो उस टाइम अगर मतलब फ्रेंचाइजी क्रिकेट, T20 क्रिकेट या ऐसे कुछ खेल होते, ऐसे फॉर्मेट्स होते, तो शायद ये फीचर भी हो जाते, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं थे। ओनली ODIs, वन डे गेम एंड टेस्ट क्रिकेट वॉज देयर, तो कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, मौका नहीं मिल पाता। तो इनके करियर की जो हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं, इनका जन्म हुआ था 2 मार्च 1967 में, 2 मार्च 1967, बॉर्न इन बिजबिहारा अनंतनाग, सेम टाउन परवेज रसूल। एक और बात आ जाती है, क्या बिजबिहारा सपोर्ट्स प्लेयर पैदा करने के लिए बना है? क्योंकि रिसेंटली अभी जो हम कश्मीर के एक नए स्टार को देख रहे हैं मिस्टर आकिब मीर, जिनसे लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं दैट ही विल गेट फीचर्ड, ही ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम बिजबिहारा, परवेज रसूल इज फ्रॉम बिजबिहारा। एंड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस प्लेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, अब्दुल कयूम बागाव, ही इज ऑल्सो फ्रॉम बिजबिहारा। इस प्लेयर का एक खास चीज़ थी इनके पास, कहा जाता था अपने टाइम पे ही वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट, इनको फास्टेस्ट बॉलर करार दिया गया था। एंड इन्होंने अपने करियर में नवजोत सिंह सिद्धू जैसे कैप्टन्स के अंडर खेला हुआ है, वो वॉज अ क्रिकेटर नाउ रिटायर्ड एंड ही वॉज अ फॉर्मर कांग्रेस लीडर जो उन्होंने अभी रिजाइन किया है, उनके साथ इन्होंने खेला है। इनके साथ जो बॉलर्स खेले हैं लाइक्स ऑफ हरभजन सिंह, वेंकटेश प्रसाद, जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत बड़ा नाम किया है, उन प्लेयर्स के साथ इन्होंने खेला हुआ है डोमेस्टिक में, लिस्ट ए करियर में भी इन्होंने काफ़ी मैचेस खेले हुए हैं उनके साथ। बट क्या रही वो चीज़ें जो इनको आगे बढ़ने में मदद नहीं मिल पाई, अब उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेट्स लुक टुवर्ड्स हिज बॉलिंग स्टैटिस्टिक्स एंड बैटिंग स्टैटिस्टिक्स के, सबसे पहले उन पर नज़र डालेंगे। जितना इनका नाम था उतने इनको शायद मैचेस खेलने को नहीं मिले, उसका एक रीज़न ये भी हुआ है और एक रीज़न ये भी है कि उस टाइम में ज़्यादातर डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस नहीं किया जाता था, बहुत ज़्यादा कम मैचेस होते थे। जैसा कि आज अगर आपको बता दें तो एक साल में नियर अबाउट 600 से प्लस डोमेस्टिक मैचेस खेले जाते हैं इंडिया में, लेकिन उस टाइम पर ऐसा रेशो नहीं था, बहुत कम डोमेस्टिक मैचेस खेले जाते थे। तो उस हिसाब से इनका जो फर्स्ट क्लास करियर है, इन्होंने अपने करियर में 47 मैचेस खेले हैं एंड स्कोर्ड रन 796। ये मैं बैटिंग स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, ये बॉलर थे एंड इनका एवरेज 11.21 के एवरेज से उन्होंने रन बनाए हैं। एंड लिस्ट ए करियर में ही हैज प्लेड 25 मैचेस ओनली, रन 170, एवरेज 9.44। अब इनका जो मेन स्ट्रीम था दैट वाज बॉलर, ही वाज अ बॉलर। लेट्स लुक एट हिज बॉलिंग फर्स्ट। इनकी बॉलिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो फर्स्ट क्लास करियर में जैसा कि आपको पता है अभी मैंने बोला 47 मैचेस एंड ही हैज़ टेकन 152 विकेट्स विद एन इकोनॉमी रेट ऑफ 3.26, विच इज़ वेरी ब्रिलियंट। एक्चुअली हम इसको ज़्यादा अप्रिशिएट क्यों करेंगे, अगर देखा जाए तो आज के बॉलर्स के कंपैरिजन में 47 मैचेस में बॉलर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 200 से ज़्यादा विकेट्स लिए हैं। बट व्हाई एम आई टेलिंग 157 वाज ग्रेट, बिकॉज जो कंपटीशन उस टाइम के क्रिकेट में था, उस टाइम का जो क्रिकेट था उसका सेंस अलग था। आज के क्रिकेट में अगर आप देखें तो हमें वी ऑल नो दैट आज के क्रिकेट का लेवल ही अलग है, इट इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल, लाइक ODI क्रिकेट है, T20 क्रिकेट है, जहां बैट्समैन रिस्क लेना पसंद करते हैं। बट उस टाइम में इट वॉज टेस्ट क्रिकेट पीक पे रहा करता था एंड ODI का हाईएस्ट स्कोर जाता था 220-230, वॉज कंसिडर्ड एज अ क्लाइंबिंग अ माउंटेन जो भी टीम उसको चेज करती थी। तो दैट वॉज द रीज़न विकेट्स उस टाइम पर बहुत कम मिलते थे बॉलर्स को, एंड फिर भी इन्होंने अपने 47 फर्स्ट
फर्स्ट क्लास मैचेस में 152 विकेट्स निकाले हैं एंड विद एन इकोनॉमी रेट ऑफ 3.26। और उसमें एक खास बात क्या ऐड होती है, इन्होंने अपने करियर में दो बारी 10 विकेट हॉल लिया है। अगर आपको याद होगा, मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ूंगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में हु इज द बॉलर जिन्होंने एक इनिंग में 10 विकेट्स लिए हैं। आपको अगर आंसर पता है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो कल मैं वैसे ही आपको जवाब दे दूंगा। ये था आज का क्वेश्चन मेरी तरफ से, हु इज द बॉलर हु हैज टेकन 10 विकेट्स इन अ सिंगल इनिंग ऑफ अ टेस्ट मैच एंड इमर्ज द टीम एज अ विनर, और उनकी टीम ने फिर फॉर्चुनेटली जीत भी लिया था मैच। तो इन्होंने अपने 10 विकेट हॉल अपने करियर में दो बार ही लिया था, दो बार इन्होंने 10 विकेट हॉल लिया है एंड 5 विकेट हॉल इनके पास है 11, विच इज़ नॉट, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं होती। तो जब भी कंसिडरेशन की जाती है तो इनको ज़्यादातर इतना मतलब लाइमलाइट नहीं मिल पाई, जो मैं अभी भी डिस्कस कर चुका हूँ उसके रीजंस क्या थे, देयर आर प्लेंटी ऑफ देम। नाउ लेट्स लुक टुवर्ड्स आखिरकार ये मतलब सिलसिला शुरू कब हुआ। मैं आपको बता दूं, ये एक आगे चल के जो ये खाली क्रिकेटर की हम बात कर रहे थे, ही वॉज नॉट ओनली अ क्रिकेटर, इन्होंने आगे जाकर जम्मू एंड कश्मीर की कैप्टनसी भी संभाली थी, ही वॉज अ स्किपर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर टीम एज वेल, जहां इनके अंडर कश्मीर ने अपना सबसे पहला गोल अचीव किया था। इनकी कैप्टनसी के अंडर कश्मीर ने पहली बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया था, जम्मू कश्मीर ने इनकी कैप्टनसी के अंडर पहली बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया था, विच वॉज एन अचीवमेंट फॉर हिम, क्योंकि उस टाइम उसके पहले जो मैंने आपके अभी आपको बोला कि 21 साल, कल मैंने बोला था 21 साल लगे थे जम्मू कश्मीर को अपना पहला मैच जीतने में, एंड उसी टेन्योर में मतलब 82 में अपना पहला मैच जीता था कश्मीर ने, एंड उसी 82 के टेन्योर के बाद डेब्यू किया था मिस्टर अब्दुल कयूम ने। तो इनके टेन्योर में ही जब ये इन्होंने कैप्टनसी की कमान संभाली, तो इनके कैप्टनसी दौर में रणजी ट्रॉफी के फर्स्ट प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर गई थी टीम। तो उस टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा उसके लिए अप्रिशिएट किया गया था, अप्रिसिएशन के साथ साथ इनको लिस्ट ए करियर में मौका मिला था, वहाँ खेलने का मौका मिला, जो मैंने अभी बोला ही प्लेड विद सम ह्यूज स्टार्स, जिसमें सचिन तेंदुलकर नाम शायद मैं अनफॉर्चुनेटली लेना भूल गया, जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। तो ये थे कुछ इनके करियर के हाइलाइट्स। लेकिन अगर हम इनके प्रेजेंट की बात करें, वेयर इज ही प्रेजेंटली, अभी 52 ईयर्स ओल्ड क्रिकेटर रिटायर हो चुके हैं, अभी ये क्या कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, करंटली ही हैज़ बीन सिलेक्टेड एज एन सी ए सी क्रिकेट अकेडमी क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के इनको चेयरमैन बनाया गया है, वहाँ के मतलब बोर्ड में इनको सिलेक्ट किया गया है, जो कि JKCA ने फॉर्म किया था। तो काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, इन्होंने कोचिंग बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर रांची टीम के, एंड ही हैज़ ऑल्सो हेड कोच भी किया है इन्होंने इंडिया जम्मू कश्मीर रांची टीम को, डोमेस्टिक टीम को। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एन अचीवमेंट, बट लेटर ऑन लोग इनको रिग्रेट क्यों कर जाते हैं, मैं एक और रीज़न बोलूँगा, क्योंकि अगर हम बाकी के प्लेयर्स देखें, लाइक्स ऑफ परवेज रसूल या बाकी जितने भी प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कश्मीर, वी विल टॉक अबाउट जम्मू एज वेल, बिकॉज वो भी हमारा एक पार्ट है, उसमें से मिथुन मन्हास आते हैं एंड और भी कुछ कुछ बड़े प्लेयर्स आते हैं जिन्होंने और भी हाइट्स अचीव की हैं। लेकिन मैंने अभी भी कहा, जो गेम का लेवल था वो डिफरेंट था, और क्रिकेट का जो कंसिस्टेंसी और टफ मतलब जो कॉम्पिटिशन था वो भी अलग लेवल का था। तो ये थे हमारे एक फॉर्मर क्रिकेटर, मतलब इनके बारे में शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, दिस वॉज अ नॉलेज जो मेरे पास ही मैंने आप लोगों तक पहुँचाई। लेकिन अब मैं एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, यार ये टॉपिक एक्चुअली डिस्कशन के लायक नहीं है, बट मतलब जहाँ हम एक तरफ से कहते हैं क्रिकेट इज़ ऑन पीक, कश्मीर में मतलब टैलेंट बहुत ज़्यादा है, वहीं दूसरे साइड से अगर देखा जाए तो हालत इतनी ख़राब है दैट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। मालूम पड़ता था क्रिकेट में T10 T20 होते तो हैं, बट T10 और T20 मशहूर इसलिए होते थे क्योंकि यू गेट टू सी सिक्सेस एंड बाउंड्रीज। लेकिन क्या हाल होगा जब आपको पता चलेगा कि T10 लीग खेली जाती है एंड उसमें सिक्सेस मारना इज़ नॉट अलाउड, छक्का मारेंगे तो आप आउट हो जाएंगे, मतलब बैट्समैन अगर हिट करता है बॉल को तो ही इज़ कंसिडर्ड एज आउट, मतलब तो व्हाट काइंड ऑफ T10 लीग इट इज़, एंड इसके रीजंस क्या रहे हैं। एंड द मेन रीज़न, जब भी हमने किसी प्लेयर से बात की या वहाँ के जो या इन टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं उनसे बात की, तो एक मेन रीज़न निकल के आता है कि दैट वी डोंट हैव द स्टेडियम्स, हमको खेलने के लिए जगह नहीं मिल पाती, लिमिटेड एरिया है, तो इसीलिए हम ग्राउंड शॉट्स ही खेलना प्रेफर करते हैं एंड वी डो नॉट अलाउ द प्लेयर्स टू हिट द बॉल आउटसाइड द बाउंड्री। तो ये है हमारे कश्मीर में क्रिकेट की हालत। वी कीप सेइंग दैट JKCA इज डूइंग गुड वर्क, बट एट द सेम टाइम दे हैव टू लुक ऑन द ग्राउंड, यार ऑफ फील्ड में हो क्या रहा है, जहाँ से खिलाड़ी आते हैं उस फील्ड की तरफ देखो, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा अभी ट्रायल्स में भी रिसेंटली कि ये उन्हीं प्लेयर्स पे फोकस किए जा रहे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्शन और नज़र में आए हुए हैं, वो है ऑलरेडी प्लेड या मतलब जिनका मतलब अभी करियर ख़त्म होने वाला भी है, तो वो ऑलरेडी नियर अबाउट 30 के पार हो चुके हैं, उनमें से कुछ प्लेयर्स हैं जो अभी यंग हैं। लेकिन जहाँ से हमारे फ्यूचर स्टार्स आएंगे वहाँ पे नज़र रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे इंडिया IPL से अपने प्लेयर्स को निकाल रहा है, वैसे ही हमारा भी JKCA का भी और पूरे कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का ही फ़र्ज़ बनता है, तो वी हैव टू लुक ऑन द ग्राउंड। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आज एक कश्मीरी लेजेंड के रिलेटेड, एंड जो मैंने छोटा सा लास्ट में आपको बोला आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं उसके रिलेटेड, एंड लास्ट जो मैंने बोला था कि क्वेश्चन मैं छोड़ के गया था आपके लिए,
कौन से बॉलर हैं जिन्होंने अपने करियर में एक ही टेस्ट मैच के एक ही इनिंग में 10 विकेट निकाले हैं, इसका जवाब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कमेंट बॉक्स में। एंड कल के लिए मैं आपके लिए एक और सवाल छोड़ना चाहूंगा, भूल गया था सॉरी, पहले वो ये रहेगा कि मिस्टर परवेज रसूल आज तक उन्होंने कितनी आईपीएल टीम्स को रिप्रेजेंट किया है, इसका जवाब भी उम्मीद है आप लोगों को पता होगा क्योंकि बिकॉज टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि शायद आपको ना पता हो रिगार्डिंग परवेज रसूल, कुछ फनी हैं उसमें से, कुछ उनके करियर के हाइलाइट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। कल तक के लिए आप अपने होस्ट मेरल तफवानी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।